तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है अपनी विलेज चिबरा से। आपने रात देखा मैं ट्रक में आधा आधा सफर मैंने कल अपना ट्रक में तय किया, आधा सफर अपना बाईसाइकिल तय किया। और पीछे जो आप देख रहे हो ना जहाँ से गाड़ी आ रही है उधर में ना रोड बनाने वाली कंपनी है, उनके पास मैं रात रुक गया था, रात अपनी स्टे उधर की थी। तो प्यार भरी सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? अभी इधर से जंस्कार की जो दूरी है ना 80 किलोमीटर है, देखते हैं हम कितने समय में तय कर पाते हैं। और रोड की कंडीशन आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की है। और यार दूर दूर तक है ना कोई गांव नहीं मिलता, 50-50, 60-60 किलोमीटर बाद गांव मिलते हैं और खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। अभी सुबह की शुरुआत हुई है, कुछ खाया पिया नहीं है। अभी मैंने सामने देखा था एक रेस्टोरेंट का बोर्ड लगा हुआ है, अंदर जाके देखा उधर भी लॉक लगा हुआ है, कुछ खाने के लिए भी नहीं है। अपने पास ओट्स पड़े हैं, अगर ज़्यादा भूख लगेगी तो कहीं बनाकर हम खा लेंगे, अभी तक हमने सुबह कुछ भी नहीं खाया। तो चलते हैं अपने दिन की शुरुआत करते हैं जंस्कार की और निकलते हैं। फाइनली हम जंस्कार एरिया में एंटर हो चुके हैं, वो मैं कल ही हो चुका था। कल आपने देखा जो ट्रक से मैंने 100 किलोमीटर की लिफ्ट ली थी क्योंकि रोड खराब था। तो अभी चलते हैं हम, धीरे धीरे अपना सफर है जो तय करते हैं। सच में जब मैं घर से निकला था ना, मेरा जंस्कार जाने का इतना ज़्यादा दिल था ना कि जंस्कार जाना है, जंस्कार देखना है, क्योंकि हमेशा ना सुना ही था जंस्कार के बारे में। और आज जब देख लिया ना, ऐसा हो रहा है यार कि मैं क्यों आया इधर। पता क्या है, 3-4 चीज़ें हैं जिनकी वजह से ना मेरे को ऐसा फील हो रहा है। एक तो इधर नेटवर्क नहीं है, आजकल नेटवर्क के बिना रहा ही नहीं जाता बिल्कुल भी। और दूसरा 50-50, 60-60, 70-70 किलोमीटर बाद है ना दुकान आती है कोई खाने पीने की, कोई गांव आता है। आप देख सकते हो सामने ना बिल्कुल सुनसान पड़ा है, पहाड़ी पहाड़ है, कोई खाने पीने वाली दुकान नहीं है। बंदा भूखा मर जाए अगर बंदे के पास फूड ना हो। और तीसरी भाई, पता नहीं लगता कब इधर में बारिश हो जाए, बिल्कुल भी नहीं पता लगता। रोड की कंडीशन देखो कितनी गंदी है, इस वजह से बस जंस्कार आना है तो दूसरे रूट से आओ यार, कभी इस रूट से मत आओ। मनाली से एक रूट आता है, वो रूट शायद अच्छा है, वो शॉर्टकट भी है, उधर से बंदा आ जाए सबसे बेस्ट है। चलो चलते हैं यार, धीरे धीरे अपना सफ़र है जो तय करते हैं। और क्या है, 35-40 किलोमीटर है शायद जंस्कार, कहीं बोर्ड भी नहीं लगा हुआ, बंदा देख ही ले। हालत तो आपने देख ली रोड की क्या हालत है, शुक्र है पहुंच गया इधर तक मैं। ओ भाई देखो 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 क्या हाल है यार, ओ शुक्र है भगवान का। भैया भूखा मर गया तो मैं। अच्छा ठीक है यार, दूर दूर तक रेस्टोरेंट ही नहीं है कोई। नहीं नहीं नहीं, दूर है आज कहाँ से आए? आज मैं तो ये पीछे जो कंपनी है उधर रुका था रात। ओ ऊपर तो दूर दूर तक रेस्टोरेंट ही नहीं है। इधर आना था, इधर रोड। अरे पता नहीं था भाई, कल रात मेरी बैंड बज गई बहुत ज्यादा, रोड गंदा है ना। इधर होटल ने नहीं बोला किसी ने? नहीं बोला, मैं पूछता जा रहा भाई भूख लगी है रात में, भूखा सो गया, खाना भी नहीं मिला रात। अच्छा इतना गंदा हाल है भैया। फिर उधर क्या, उधर क्या कुछ नहीं मिला? मैंने मांगा ही नहीं, मैं सो गया, थक गया था मैं, मांग लेता तो दे भी देते बेचारे। इधर है किसने बोला आपको? किसी ने नहीं, मैं तो जा रहा था। अच्छा, अच्छा। और ये दूर से दिखा, मैं क्या शुक्र है भगवान का मिला कुछ ना कुछ खाने के लिए यार। भैया रहने का वो जगह भी है इधर। अरे भाई रूम भी है। पता ही नहीं था भाई सच में, कल तो पंजीला टॉप पे ना मेरी बैंड बज गई, इतना रोड खराब है उधर में। मौसम भी खराब था ना, हैं मौसम खराब था ना कल तो। अरे और स्नोफॉल हो रहा था ऊपर। भैया खाने के लिए क्या होगा? खाने के लिए वो ऑमलेट और ब्रेड लगा दो भैया, ब्रेकफास्ट के लिए लगा दो लगा दो। लो जी अपना बढ़िया वाला खाना पीना रेडी हो चुका है, इससे अपना पेट भर जाएगा हल्का सा और जंस्कार तक हम पहुंच जाएंगे। इधर से 45 किलोमीटर है, भाई से मैंने अभी पूछा, भाई बोले पूरा पूरा 45 है। और अपनी वीडियो भी इधर रेंडर हो रही है, मैंने 2 दिन हो गए यार व्लॉग भी नहीं एडिट किया, तो अभी करने लग रहा हूँ साथ की साथ। और क्या यार, शुक्र है भगवान का कि मिल गया खाने के लिए, नहीं तो जंस्कार तक है ना भूखे पेट जाना पड़ता। अभी इससे अपना थोड़ा सा काम चल जाएगा और भाई से हम चाय बनवा लेंगे और पंजीरी खा लेंगे, पेट फुल भर जाएगा।
फिर हम 45 किलोमीटर अपना तय कर लेंगे। तो बस ये सारी बातें, ठीक है, अपना खाना पीना खाते हैं और फिर निकलते हैं आगे की ओर। अभी चेहरे पे स्माइल आ गई है यार कि खाना मिल गया। सच में कल रात है ना, मेरे को भूखे पेट सोना पड़ा यार। इतना ज़्यादा वो लगा ना कि मेरे पास ओट्स भी थे, बट मैं थकी इतना ज़्यादा गया था कि मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के कुछ बना लूँ, कुछ कर लूँ। मैं कहा यार कुछ नहीं होता, ऐसे ही सो जाते हैं, फिर मैं ऐसे ही सो गया। चलो कोई बात नहीं, वो तो चलो सैड स्टोरी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये खाते हैं हम, फिर निकलते हैं आगे की ओर। लो जी दोस्तों, अपना बढ़िया वाला खाना पीना हो चुका है। और है ना, बुद्ध धर्म में ये मंत्र है, मंत्र है एक, और ये हवा में उड़ता रहता है। भैया क्या बताना दोबारा, मंत्र क्या है ये? ओम मणि पद्मे हुम। अच्छा, और ये हमने लगवा लिया यार, ये अच्छा भी लगता है और भगवान अपने साथ साथ चलेंगे और अपनी रक्षा करेंगे, तो ये इसीलिए लगवा लिया हमने। चलते हैं अभी धीरे धीरे, अपना सफ़र है जो तय करते हैं। मैं तो कल का ना हरियाली देखने को तरस गया यार। इधर में है ना एक चीज़ पता नहीं कैसे है, मतलब पहाड़ों के ऊपर तो हरियाली है पर इधर में पेड़ पौधा कोई कुछ भी नहीं है यार, पर पहाड़ों के ऊपर फिर भी है ना हरियाली हरियाली है, ये मेरे को समझ नहीं आ रही। और चारों ओर है ना कुछ कुछ पहाड़ सूखे हैं, कुछ पहाड़ों पर हरियाली है, कहीं पर बर्फ़ है, कुछ इस तरह का माहौल है यार। सीनरी देख देख के मैं तो वो हो गया, दीवाना हो गया इसका। सीनरी बेकमाल है यार, दूर दूर तक कहीं कोई गांव नहीं मिलता। 10-10, 15-15 किलोमीटर बाद अभी आना शुरू हुआ। कल तो जब मैं आ रहा था ना भाई, कल तो कसम से ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला ही हूँ यार, कुछ दिख ही नहीं था, ना पंछी ना कोई परिंदा कुछ। रोड की हालत इतनी ख़राब है ना कि डर ही लगता है साइकिल चलाते हुए भी। इधर तो हर जगह पे स्तूपा आपको देखा बना हुआ मिल जाएगा। मैंने इनके घर भी देखने हैं यार, बुद्ध धर्म वाले लोगों के घर कैसे होते हैं वो भी मैंने देखने हैं। वो हम ट्राई करेंगे, अगर कोई अंकल उंकल मिला ना उनसे बात करके घर में घुसेंगे और आपको घर घुमाएंगे हम। देख सकते हैं कुछ इस तरह का माहौल है। अरे ये क्या हो गया? ओ भैया भैया ये दारू पी के इधर आराम फरमा रहे हैं, ये सही है यार। देख रहे हो ना सामने दारू पीने वालों का क्या हाल होता है, मज़े से सोया पड़ा है, जेब में दारू है, दारू की बोतल है, मज़े ले रहा ज़िंदगी की। ये भाई ज़िंदगी तो इसकी है यार, ज़िंदगी झंडा फिर भी घमंड है। ओ भैया उठ ही नहीं रहा, मैंने 5-6 बार आवाज़ें लगा ली इसको, कैसे खराट ले रहा देख, घोड़े बेच के सोया हुआ है। ठीक है भाई मत उठ, मर्जी है तेरी, मर जाएगा ऐसी दारू पी पी के। चलते हैं यार, क्या हाल है लोगों का देख लो। स्काया गांव, तो ये गांव का नाम है स्काया गांव, और इधर में ना छोटे छोटे से लोगों के घर हैं। और एक चीज़ है ना मैंने नोटिस कर रहा हूँ मैं, लोगों ने ना अपने पास लकड़ें बहुत ज़्यादा इकट्ठी करके रखी हुई हैं और ऊपर में ये घास फूस इकट्ठा करके रखा हुआ है। मेरे को लगता है ना जब ठंड हो जाती है, सर्दी होती है, तो ये घरों में ही रहती है ना, तो इधर में तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर माइनस में गिर जाता है, तो ये मेरे को ऐसा लगता है इसका यूज़ करते हैं और अपनी ठंड को सर्वाइव करते हैं। मतलब ठंड ठंड निकल जाती है, इतना सारा इन्होंने बालन इकट्ठा करके रखा हुआ है अपने पास। चारों ओर देख सकते हो आप यार, हर एक घर के ऊपर नीचे आपको मिल ही जाएगा ये लकड़े घास फूस इकट्ठी करके। लोगों ने अपने घर के बाहर दरख्त भी लगाए हुए हैं, वाह यार। वैसे तो पहाड़ों के आसपास दिखता नहीं है कुछ भी। ओ मेरी चॉकलेट गिर गई, कैसे ये कैसे हुआ? ये तो बच्चों को देने के लिए रखी है यार, ये ना गिर जाए, बाकी ठीक है। झूले भैया जी, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, मजे में, कृपा ऊपर वाले की। कहाँ से आया? पंजाब से। पंजाब से अभी कहाँ जाना? अभी जंस्कार। जंस्कार तो यही नहीं, जंस्कार पहुँच गया, वो जो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री देखने जाएगा। ठीक है, और एक दो चीजें और देखेगा। स्पादुम 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 बोलते हैं। हाँ जंस्कार उधर स्पादुम बता है बेन को। अच्छा अच्छा, कितनी दूर रहेगी जी मिनिस्ट्री? 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर अभी तो इसलिए ना थोड़ा सा जागी खराब है। हाँ फिर
उससे वो है ना, हाँ हाँ, उसके बाद साफ आ जाएगा। भैया जो ये ऊपर इन्होंने बालन रखा हुआ है, ये किस चीज के लिए रखा हुआ है? लकड़ी इतनी इकट्ठी की है लोगों ने घर के ऊपर, ये क्यों किया है? तो मतलब जे ये घास घास इकट्ठा किया है जो, ये घास तो इकट्ठा करना पड़ेगा जनाब। इधर 6-7 महीना हाँ बर्फ पड़ के अंदर में। अच्छा घर के अंदर ही रहते हो? अंदर रखे, बाहर नहीं निकलते घर से? कहाँ रखेगा। अच्छा बर्फ, कभी कभी पत्थर बर्फ इतना होता है। अच्छा कभी कभी इधर होता है। अच्छा कभी कभी यही साल तो कम आया इधर आया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर आप खाना पीना अपने घर के अंदर ही स्टोर करके रख लेते हो सब कुछ? 5-6 महीने का अंदर ही चलता है? ठीक, फिर तो टूरिस्ट भी आता ही नहीं होगा, कोई भी बंद होता रास्ता? आता है टूरिस्ट, आता है उधर से आता है, मनाली वाले रास्ते से? ले से। अच्छा ले से, चादर रोड। अच्छा अच्छा चादर रोड से, ठीक है ठीक है। झूले जी, झूले कैसे हो आप? पंजाब, पंजाब अच्छा, ये अच्छा लगता है हमको, ठंड है ना इधर ज्यादा। पंजाब भी अच्छा है, पंजाब अपना अपना शहर है, अपनी स्टेट है, वो भी अच्छी है, पर इधर में ज्यादा ठंड है, अच्छा लगता है, गर्मी नहीं है ना अगर। हाँ इधर ठंड है। चलो ठीक है जी, चलते हैं, झूले झूले। ओए बच्चो, ओए बच्चो, ओए 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 छोटू, आजा 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 आजा, चलेगा मेरे साथ? चल जंस्कार चले, हम चल घूमने चलते हैं, इधर बैठ जा, चलेगा? चले नहीं नहीं, मम्मी के पास नहीं जाना, मम्मी को बाय बाय बोल देते हैं, चलते हैं ना, अरे चलते हैं ना, ले जाओ इसे। अरे चलेगा ना मेरे साथ? क्या नाम है इसका? आयुष। आयुष मनी की जोड़ी अच्छी चलेगी, ठीक है, चलो चलते हैं, चलो बाय बाय कर दे मम्मी को, बाय 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 कर दे ना, कर दे ना, अरे कर दे कर दे कर दे। चीजी खाएगा? ओ एक छोटी गुड़िया भी है, इसको देखा ही नहीं मैंने। हेलो क्या नाम है तुम्हारा? हैं कहाँ से हो आप? नेपाल से? हैं नेपाल से हो? अच्छा इधर में ज़्यादातर लोग जो काम करते हैं नेपाल के हैं ना। चॉकलेट खाओगे? चीजी खाओगे? सिस्टर ये खोलना पीछे से, ये वाला। चीजी खाएगा? खुश हो गया? खुश क्यों हो गया हैं? खुश क्यों हो गया? तेरे को नहीं मिलेगा, तेरे को नहीं मिलेगा, ठीक है, तेरे को नहीं दूंगा मैं, तू मेरे साथ चलो, ठीक है, ये ले, थैंक यू। तू भी खाएगा? अरे छोड़ना, तू मेरे साथ चलना, अरे मेरे साथ चलना, चल चलते हैं हम, ले। ओ झूले भैया, क्या हाल? कहाँ से आया? पंजाब से। पंजाब से? हाँ साइकिल पे। साइकिल पे, क्या हाल आपके? मेरा हाल चाल ठीक है। ठीक है, मजे है, सही है। चेंज वाला है? हाँ चेंज वाला है। ये अकेला है? अकेला बैठो पहले इधर, गाँव साहब करने के लिए इधर गाड़ी, वहाँ से गाड़ी आएगा, साइकिल इधर लगाओ बस, टिपर एक नहीं, अभी आगे जाना है भैया, थोड़ा काम है। क्या ये कौन सा गांव आ गया? हाँ गांव कौन सा है? मंडाल। मंडाल? हाँ इसके बाद कौन सा आएगा? है आएगा ना है? है। पादम कहाँ है? पादम, पादम अभी 25 किलोमीटर है। हाँ इतना दूर है अभी? हाँ अभी यहाँ से 25 किलोमीटर पादम। हाँ मेन सिटी है ना? मेन सिटी है पादम। हाँ वही तो 25 किलोमीटर। ओके ओके चलो ठीक है भैया, फिर आराम से जाना, ठीक है ना? ठीक है भैया। फिर कुछ खाने पीने के लिए उठाया? नहीं नहीं अभी नहीं है, दुकान ढूंढ लेगा कोई आगे। दुकान इधर ही है ना? इधर है, ये टिपर खड़ा है ना? हाँ हाँ इधर दुकान खुला है। चलो ठीक है, ओके भैया झूले। यार मैं क्या देख रहा हूँ ये बोलते हुए भी मेरे को ऐसा होता है, भाई भी टैट हुआ पड़ा है दारू के, मतलब दारू के चक्कर में ना इतना ज्यादा टैट हो रखा है, आपने देख लिया होगा उसकी आवाज से,
पीछे भी एक बंदा लेटा पड़ा था और इधर भी लेटा पड़ा है। मतलब कि यार लोग दारू बहुत ज़्यादा पीते हैं इधर, हद है यार, शरीर खराब कर रहे हैं अपना। झूले आंटी, क्या हाल? ठीक है? अरे वाह वाह, और सब ठीक है? आनंद मार रहे हो ठंडी ठंडी हवा का आप हैं? ठंडी हवा चल रही है ना इधर? धूप है, अच्छा है। धूप अच्छा है, ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ, कितना रह गया पादुम इधर से? 15। वो जो सैनी मिनिस्ट्री है वो कितनी है? पास में ही है। अरे बाबा, सही है। लो जी, कम से कम आधे दिन के सफर के बाद ना हम पहुंच चुके हैं सैनी गांव में। इधर में सैनी एक मिनिस्ट्री करके है, बुद्धा जी का स्टैचू है उधर में, तो सोचा भगवान के दर्शन करते जाते हैं। और कल को एक अनोखी सी आपको मिस्टीरियस मतलब जिसके पीछे हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा, तो वो कल को दिखाएंगे आपको मिनिस्ट्री। फिलहाल हम रास्ते से गुजर रहे थे, इधर से हमें सैनी मिनिस्ट्री दिखी। एक अंदर चलते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, फिर निकलते हैं पदम। इधर से 10 किलोमीटर रह गया सिर्फ, नज़दीक आ गए। और घर देखो यार, लोगों के बुद्धिस्ट धर्म में घर ऐसे होते हैं, मतलब कुछ इस तरह के दिखते हैं। तो चलो मिनिस्ट्री देखते हैं, फिर निकलते हैं आगे पदम की ओर। आज रहने का कहीं प्रबंध करते हैं, क्योंकि सुबह कल का नहीं नहाया मैं, नहाना ज़रूरी है। जहाँ पर टेंट लगाएंगे उधर ही कहीं नहा नू भी लेंगे, चलते हैं। लो जी, सामने आपके सैनी मिनिस्ट्री है जिसे हम देखने के लिए आए हैं। बुद्धा जी का अंदर में मूर्ति है, बुद्धा जी के दर्शन करते हैं अंदर और भगवान को नतमस्तक करते हैं। आप भी दर्शन कर लीजिए, बाहर से कुछ इस तरह की मिनिस्ट्री दिखती है। तो चलते हैं अभी अंदर। ये क्या चीज है भाई? ये स्तंभ, मतलब होली बुक। हाँ, बुक है, होली बुक। तो इसको एवरीडे पढ़ते हो आप? नहीं नहीं, एक साल में एक बार। एक साल में एक बार? हाँ। जब मतलब कोई फेस्टिवल होता है जब कोई? अच्छा अच्छा, तो मतलब ये ओरिजिनल है होली बुक सारी? हाँ। ये क्या है भैया? ये है नारूपा, जुचेन नारूपा। नारूपा रिंगशल है ना? अच्छा, मतलब इधर क्या जोत जलती है, पूजा होती है क्या? हाँ, मतलब जो बहुत होता है यार। अच्छा अच्छा, ये भी नारूपा स्तूपा? स्तूपा है ना। ओके ओके, तो जी भगवान जी के हमने कर लिए दर्शन और दिल खुश हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया, क्योंकि बड़े दिन हो गए हैं ना मंदिर ना गुरुद्वारे कहीं पर भी नहीं गए। थोड़ा सा कुछ मिसिंग मिसिंग लग रहा था, तो आज जो मिसिंग मिसिंग था सब कुछ पूरा हो गया। भगवान के हमने दर्शन कर लिए और बहुत चीज़ें जानने को मिली। और भाई साहब बताना चाह रहे थे पर इनको हिंदी नहीं आती है ना, तो कोई बात नहीं, हम कल जो मिनिस्ट्री देखने जाएंगे उसमें भी थोड़ा सा आपको दिखाएंगे। तो ये थी सैनी मिनिस्ट्री। तो अभी निकलते हैं हम पादम की ओर, 10 किलोमीटर रह गया, अपना सफ़र करते हैं तय। ये सामने ना होली लेक है, इसे होली लेक बोला जाता है, और सामने भगवान जी की मूर्ति बनी हुई है। आप दर्शन कर सकते हो, पानी के बीचों बीच है यार। अभी तो पानी है ना कम हो गया इसका, बट थोड़ा बहुत पानी है तो आप दर्शन कर सकते हो। मैं आपको बता रहा था ना कि शाम को इधर में मौसम ख़राब हो जाता है, जब भी आप हाई एल्टीट्यूड पर होते हो, पहाड़ों पर होते हो ना, तो सामने देख सकते हो मौसम है ना पूरा ही ख़राब हो गया है। ऊपर पहाड़ों पे भी धुंध धुंध आ गई है, तो जल्दी जल्दी निकलते हैं इससे पहले के बारिश होना शुरू हो जाए। बस इधर पास में ही आ गए यार, अभी तो बिल्कुल नज़दीक आ गया अपना, और सामने है पादुम सिटी। और क्या हाल भैया? ओ भैया गुस्से में लग रहा है,
चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। हम सामने पादू सिटी है। पहले सबसे पहला काम अपना सिम खरीदना, सिम खरीदते हैं, उसके बाद कोई रहने के लिए जगह ढूंढते हैं। यार नहाना भी है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना किसी होम स्टे में रुक जाऊं और थोड़ा सा अपने आप को वॉशअप कर लूँगा और कपड़े कपड़े भी धुल जाएंगे अपने। देखते हैं, एनीवेज कोई सस्ती सी मिल गई तो ले लेंगे, अगर ना मिली तो फिर टेंट जिंदाबाद। अपना चलते हैं। अभी ना समय हुआ है शाम के 4 बजे हैं और पूरी मार्केट घूम ली यार। आज अपनी है ना किस्मत साथ नहीं दे रही, 2-3 दिन से ही नहीं दे रही। वैसे तो सिम ही नहीं मिल रहा यार, सिम वाली दुकान मिली वो बोला कि सर्वर डाउन है, सिम एक्टिवेट नहीं होगा, चलेगा नहीं। तो कल भी संडे है, कल इधर में सारी मार्केट बंद रहेगी। है ना भैया, होटल भी बंद रहेंगे खाने पीने वाले? होटल खुला होगा तो खाना कहाँ से खाऊंगा मैं? कभी कभी खुल जाता है कहीं। ये यार मुसीबत होगी यार, सिम भी नहीं मिल रहा, ऊपर से वीडियो अपलोड करनी है, वीडियो अपलोड भी नहीं हो रही। और फाइनली मैं पादू में पहुंच चुका हूं और अभी खाने पीने का ऑर्डर किया यार। सुबह से आपको पता है कुछ अच्छे वाला हमने खाया नहीं, अभी थाली ऑर्डर किया है, उसमें सब कुछ आएगा। राइस भी होंगे? राइस भी है, रोटी है? रोटी है। हाँ बस ठीक है, मतलब पेट भर के पूजा पेट भर के हम खा लेंगे यार, बड़ी ज़्यादा भयंकर वाली भूख लगी है। तो ठीक है खाते हैं एक बार दोबारा फिर। ओहो आ गया खाना आ गया अपना, क्या बात है, मजा आ गया। 2 दिन हो गए ऐसा खाना नहीं देखा कभी। प्याज भी अच्छा जी, ये चटनी सब। हाँ अचार दे दो। ठीक है अपना बढ़िया वाला खाना आ चुका है, तो खाते हैं और फिर कहीं रहने की जगह ढूंढते हैं, कोई सस्ता सा होटल ढूंढते हैं। यार नहा भी लूंगा, कपड़े भी धो लेंगे और नहीं तो कहीं टेंट लगा लेंगे, फिर ऐसा तो करना ही पड़ेगा। ठीक है खाना खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। खुशखबरी यार, सिम मिल गया फाइनली जियो का, बड़ी मशक्कत के बाद मिला, मतलब बड़े धक्के खाए फिर जाके मिला। भाई की ना पहले दुकान ये बंद पड़ी थी तो मैं बैठा रहा आधा घंटा, रुका रहा फिर आ ही गया भाई। आया मैं कहा यार भाई सिम एक्टिवेट करके दे जल्दी, फिर सिम एक्टिवेट हो गई। फाइनली हमें जियो की सिम मिल चुकी है यार, 550 रुपये की जियो की सिम दी है, इतनी महंगी है ना इधर में यार। मैं तो सोच रहा हूँ कि हर जगह से खर्चा बच जाए, इधर ना लगे खाली रोटी पानी का लगता जाए, पर लगी जा रहे हैं यार, क्या करें इतना ज़्यादा खर्चा होता जा रहा है। बट कोई बात नहीं, खैर हमें से मिल गई है, अभी हम टेंट लगाने की कहीं पर जगह ढूंढते हैं अच्छी वाली और फिर आपको ब्लॉग भी शायद देखने को मिल जाए मॉर्निंग से। फिर एक दिन में 2-2 ब्लॉग डाल दूंगा, बराबर कर दूंगा सारे मैं जितने भी अभी पेंडिंग पड़े हैं। तो ठीक है सिम मिल गया, ये सबसे बड़ी खुशखबरी थी। और ठीक है टेंट लगाते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे। All right.